नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। तो क्या है आपके सितारों की चाल, आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, साथ ही क्या है आज का भाव उपाय, ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज हम भाव उपाय में जानेंगे सफल जीवन यापन के अनुभूत और चमत्कारी प्रयोग। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं सफल जीवन यापन के अद्भुत एवं चमत्कारी प्रयोग? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सफल जीवन यापन के चमत्कारी प्रयोग। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102633। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है विषकुंभ और करण है कौलम। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको आज समझना होगा कि शॉर्टकट कोई माध्यम नहीं है आपकी सफलता के लिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, तो आपको शॉर्टकट के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ दिन बिताना आपके संबंध के लिए बहुत बेहतर सिद्ध होगा। आपके संबंधों में जो तनाव की स्थिति थी, आप उसे दूर कर सकते हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विभूदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने व्यवहार से किसी के दिल को ना दुखाएं आज। चलिए अब जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए आज कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए चलते चलते आज कोई पुराना मित्र मिल सकता है, जिससे आपकी पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। आज के दिन काफी सारे अच्छे सरप्राइजेज आपका इंतजार कर रहे हैं और दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आप जिस भी कार्य में लगेंगे, कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपादित होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना सर्वोत्तम हो सकता है। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी से बहुत बड़े वादे नहीं करने चाहिए आपको। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको दो लोगों के बीच सुलह कराने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। आज किसी गलती की वजह से आप अपने करीबी व्यक्ति को दुख पहुंचा सकते हैं। धन के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। निर्णय लेने में जल्दीबाजी ना करें। चलिए अब जानेंगे कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में समय का आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। आपको सीखना होगा कि समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। आप कभी कभी खुद के लिए समस्याएं स्वयं पैदा कर देते हैं, तो अपने लिए गलती मत करिए। आप अपने जो भी काम करते हैं उसको पूरे मनोयोग से करना चाहिए। आपको गलती करने से बचना है। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो गलती निश्चित तौर पर होगी, तो बहुत ही निश्चिंता के साथ और पूरे विश्वास के साथ काम करें। काम को करने के बाद दोबारा एक बार क्रॉस चेक भी करिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आपके कार्यक्षेत्र में अपने पार्टनर से आज वाद विवाद और झगड़ा दिखाई देता है, उसको आपको बचाना चाहिए। सिंह राशि वालों का आज दिन कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपने कार्य को सही तरीके से करें, अन्यथा कहीं ना कहीं बहुत भारी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। आज आप किसी बात पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा क्रोधित महसूस कर रहे हैं, तो इस बात को स्वीकार करने से पहले आपको अपने आसपास के लोगों से चर्चा भी करना चाहिए कि ये जो आपको क्रोध आ रहा है या जो कहीं गलती हो रही है जिसके चलते आपके काम बिगड़ रहे हैं, जिसके चलते आप परेशान हैं, चिंतित हैं, क्रोधित हैं, उसको दूर कैसे किया जाए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर जो भी कार्यभार छोड़ा गया है, उसकी अनदेखी मत करिए किसी भी परिस्थिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई भी ऐसी चीज या परिस्थिति जिसे आप सही से हैंडल नहीं कर सकते हो, उससे आज आपको दूर ही रहना चाहिए। आज आपके दोस्त को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको उनकी सहायता अवश्य कर लेनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं, जो गुप्त बात है, वो आपको हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। पहले कॉलर पूरण सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़े नैनीताल से। जी, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि मेरा जिंदगी में भौतिक उन्नति कब होगी। जी, आप अपना जन्म विवरण बताएं। मेरा जन्म 19/3/1973। जी। 8:45 सुबह या शाम के? सुबह। जी, जन्म स्थान बताइए। जन्मस्थान अल्मोड़ा सर। जी, देखिए आपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रश्न किया है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये परिस्थितियां बहुत अच्छी बनती हैं जिसमें आपको भौतिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। भौतिक सुख में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो जीवन की लग्जरी है। लग्जरी ऑफ लाइफ आपको कैसे मिले, उसके लिए आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इतना अच्छा संयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है, उसका लाभ आप नहीं उठा पा रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना से आपके लिए भौतिक सुख के साधन एकत्रित हो सकते हैं। बृहस्पति की महादशा में शनिदेव की अंतरदशा चल रही है। आपकी कुंडली में बृहस्पति जो हैं वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, शनिदेव जो हैं वो कर्म स्थान और आय स्थान के स्वामी हैं। इतना सुंदर योग बना हुआ है, आपको अपनी तरफ से अपनी मेहनत भी पूरी करनी चाहिए, प्रयास भी पूरा करना चाहिए, और उसके साथ साथ यदि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की नियमित पूजा आराधना करें तो निश्चित ही कोई भी इस सृष्टि में, इस दुनिया में ऐसा सुख नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। अगली कॉलर पूजा है आगरा से। पूजा, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, 16 सितंबर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर। जी। 1999। जी। 7:30 AM। जी। 8 hours। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं जितनी पढ़ाई करूँ फिर भी मेरे अंक अच्छे नहीं आते हैं। जी। और मैं किस करियर में जाऊँगी? जी, देखो बेटा, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। बुध और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन किसी भी जातक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए रिप्रेजेंट करता है करंट पीरियड जो है वो भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की साधना और आराधना का पीरियड है। आप एक विद्यार्थी हैं, एक बच्चे हैं, एक जातक के लिए जो विद्यार्थी है उसको भगवान श्री गणेश की आराधना अपने जीवन में ज़रूर करनी चाहिए। हम लोगों ने भी की है क्योंकि भगवान गणेश को ही विद्या और बुद्धि का देवता मानते हैं, और एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हो, उसके लिए आपको भगवान गणेश की कृपा की ज़रूरत पड़ती है। आपकी कुंडली में संयोग इतने अच्छे बन रहे हैं कि आप भगवान गणेश की आराधना अगर इस समय थोड़े समय के लिए भी करें तो आपको उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है क्योंकि दशा उसकी चल रही है। तो वर्तमान समय में आपसे जैसे भी बन पड़े आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपने अपने करियर के बारे में पूछा है तो आपके करियर में कॉमर्स की फील्ड, आर्ट्स की फील्ड कहीं ज़्यादा अच्छी हो सकती है, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की फील्ड कहीं ज़्यादा अच्छी हो सकती है इन कंपैरिजन विथ आप किसी और तकनीकी क्षेत्र में जाएं, इंजीनियरिंग या उसके अलावा और उस तरीके के जो दूसरे विषय हैं वो आपके लिए उतने अच्छे नहीं हो सकते जितना कॉमर्स और आर्ट्स और मैनेजमेंट की फील्ड में आपको फ़ायदा मिलेगा। ज्योति जुड़ी है काशीपुर से। ज्योति, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है, मैं काशीपुर से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1986 9:00
30 मिनट सुबह जी। देखिए मेरी लव मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लड़के की मम्मी जो है वो तैयार नहीं हो रही, तो आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो संयोग है आपके प्रेम विवाह को लेकर के खासतौर पे परिस्थितियां बहुत विषम है। उसका कारण ये है कि सप्तम भाव का स्वामी मंगल है जो बैठा हुआ है तीसरे स्थान में, तो ये बताता है कि जीवन में खासतौर पे विवाह के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति रहेगी। देखिए ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह संभावित नहीं है या हो नहीं सकता आपके लिए, वो ज़रूर होगा, लेकिन कुछ बाधा कुछ अड़चन ज़रूर उसमें रहेगी। और वर्तमान जो दशा है वो राहु की महादशा है, जिसमें चंद्रमा की अंतरदशा है। राहु की महादशा का जो ये समय है ये आपके लिए निश्चित ही तनाव का समय रहने वाला है। आने वाले 5 अक्टूबर 2013 के बाद से आने वाला एक साल का समय आपके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। आपको अभी से सुझाव देता हूँ कि आप भगवान श्री हनुमान की पूजा शुरू कर दें। हनुमान जी की पूजा साधना में भी खासतौर पर सुंदरकांड का पाठ यदि आप नियमित अपनी दिनचर्या में करते हैं, अपने घर पे करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। राहु और मंगल के दोषों से मुक्ति मिलेगी, जो बाधा आपके विवाह में आ रही है वो दूर हो जाएगी। अगली कॉलर कुमकुम है देहरादून से। कुमकुम अपना सवाल पूछिए, अपनी डिटेल भी बताइए। पंडित जी नमस्ते, मैं देहरादून से बोल रही हूँ कुमकुम जी। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1994 जी। समय है शाम के 3:30 बजे जी। पंडित जी, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही है और मतलब स्वास्थ्य भी काफी दिन से ठीक नहीं है जी। आप अपना जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान देहरादून जी। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार भी राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा है। अगर आप कुछ थोड़ा सा प्रयास करें अपनी तरफ से तो निश्चित ही आपकी आर्थिक समस्या जो है वह ठीक हो सकती है। जहां तक स्वास्थ्य संबंधी समस्या की बात है तो वो राहु के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। शनि आपके लिए बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है, नेगेटिव नहीं है। शनिदेव आपकी कुंडली में एक ऐसे ग्रह हैं जिनसे आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं और अंतरदशा शनिदेव की ही चल रही है, तो वर्तमान समय में शनि भार्या स्त्रोत का पाठ कर लेना और ऐसे पीरियड में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना बहुत ज़्यादा लाभ देता है किसी भी जातक के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शनिदेव ने अगर अपना इष्ट किसी को माना है तो भगवान श्री कृष्ण को माना है, तो इस काल में वर्तमान समय में आपको श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और एक पाठ हनुमान चालीसा का अवश्य करिए जो राहु के दुष्प्रभावों को रोक लेगा। तो जब राहु के दुष्प्रभाव दूर होंगे तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या ठीक हो जाएगी और शनि देव के कृपा पात्र होते ही आप आर्थिक समस्या से भी मुक्त हो जाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आप बहुत जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, इससे पहले आपको अपने स्वभाव को बहुत ही शांत करना होगा, सौम्य करना होगा और आपको स्वयं को तैयार करना होगा कि आप इस कार्य की जिम्मेदारी ले सकें। अपने व्यापारिक संबंध के विषय में गंभीरता से सोचने का दिन है आज, तो आप अपने लिए कुछ चिंतन अवश्य करिए। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन काफी रोमांचक हो सकता है, कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। उधार दिया हुआ धन आज आपको वापस भी मिल सकता है। किसी करीबी व्यक्ति की बातों से आपको काफी चोट पहुंच सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ज्यादा चीजें दिल पर नहीं लेनी चाहिए और आप स्वयं भी अपनी तरफ से किसी को कुछ कर्कश ना बोलें कि सामने वाले को आपकी बातें बुरी लगें या उसके दिल पर उसका कोई बहुत बुरा प्रभाव रह जाए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धनु राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा, आइए देखते हैं।
धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने काम को अच्छी तरीके से पूरा कर लेना चाहिए, किसी को शिकायत का अवसर आपको नहीं देना चाहिए। आज आपको थोड़ा आराम करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, आप चाहें तो कहीं बाहर घूमने फिरने का कार्यक्रम भी परिवार के साथ बना सकते हैं। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के वाद विवाद के साथ के कारण आज आपको कुछ तनाव मिल सकता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानेंगे मकर राशि वालों के दिन का हाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ ऐसा होगा जिससे आपको कुछ सीखने व समझने का अवसर प्राप्त होगा। ये जो आपको अवसर आज मिलने वाला है आपके लिए बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी नसीहत या बहुत बड़े वरदान की तरह हो सकता है। निवेश में जोखिम उठाने से बचना चाहिए। आज कोई नई व्यापारिक योजना आरंभ करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए निवेश के लिए बहुत शुभ नहीं है, तो कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ करके, बहुत ही आप एहतियात के साथ इन्वेस्टमेंट करें। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए देखते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने व्यक्तिगत संबंधों में यानी पर्सनल रिलेशनशिप में काफी रिस्क उठाना पड़ सकता है, तो बहुत आपको सोच समझ करके अपने संबंधों को निभाना है। आपके दिल में किसी के लिए बदले की भावना आ गई है, लेकिन उन्हें आपको माफ करने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों के दिन का हाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अलग अलग नहीं बल्कि टीम वर्क में टीम की तरह काम करने की आवश्यकता है। टीम वर्क में ही आपको सफलता मिलेगी। याद आपको ये रखना चाहिए कि एकता में ही जो बल है वो बहुत काम आता है। निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आज की दिनचर्या में ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महा उपाय। जी आज का महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि सफल जीवन यापन करने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंखों का तेज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी व्यक्ति को सभी लोगों का प्रिय बनने और जीवन भर तेजस्वी तथा निरोगी रहने के लिए भगवान भास्कर की उपासना करनी चाहिए और सूर्य देव को नित्य जल चढ़ाना चाहिए। रोजगार को प्राप्त करना हो, श्रेष्ठ पति की कामना हो, घर गृहस्थी के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करना हो या अपने पितरों की शांति करना चाहते हैं तो कच्चा दूध एवं शुद्ध जल मिला करके इसको मिक्स करके आप किसी पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए यदि आप पीपल के वृक्ष में डालते हैं, उनकी जड़ में आप ये द्रव्य अर्पित करते हैं, नियमित अर्पित करते हैं, खासतौर पर गुरुवार के दिन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको नियमित जाप करते रहना चाहिए, खासतौर पर तब जब आप ये प्रयोग कर रहे हों, पीपल के वृक्ष में दूध और जल मिला करके आप ये अर्घ दे रहे हों। रोजाना दिन में जब भी आपको कुछ फुर्सत के क्षण मिल जाएं, दोनों आंखों की भौहों के बीच में ओम का ध्यान करना चाहिए। मन ही मन ध्यान करते रहें आप और उसके साथ साथ मन में उच्चारण करते रहें। किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम। ध्यान में ये भावना आपको रखना चाहिए, आपको ऐसे भावना रखना चाहिए कि कोई प्रकाश पुंज आपके भीतर छुपा हुआ है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है आपको, और उसी में भगवान महादेव शिव समझ सकते हैं या जिस भी देवता में आपकी आस्था है आप ये समझ लीजिए कि वह देवता जो है उस ओंकार के अंदर स्थापित है, उसी में विराजते हैं। जीवन में परमात्मा के सिवाय किसी से भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिससे आप काल्पनिक भय रखते हैं वह परमात्मा की इच्छा के बगैर आपको आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख बातें हैं, इसमें कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं, कुछ धर्म से संबंधित बातें भी हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं यदि आप इनका अनुसरण करते हैं तो आप अपने अंदर का जो तेज है, जो टैलेंट है, जो आपकी प्रतिभा है, आप उसका विकास कर सकते हैं। और जब आपके अंदर की प्रतिभा का विकास होगा तो निश्चित मानिए कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे, आप जीवन में अपने चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे, विकास की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।